लखनऊ नगर निगम लगातार लोगों की सुविधाओं के लिए कवायद कर रहा है। हाल ही में महापौर ने कहा था कि वो लोगों को गृहकर में दी रही छूट आगे बढ़ाएंगी और लोगों को महीने के आखिर तक गृहकर में 10% दी जाने छूट मिलेगी, तो ये छूट चूँकि अप्रैल में समाप्त हो चुकी थी, तो इसके बाद नगर आयुक्त ने भी कहा है कि अब इस महीने के आखिरी में चाहे रविवार का दिन हो और चाहे जो है रक्षाबंधन का, लगातार दफ्तर खोले जाएं और शाम 7 बजे तक लोगों को गृहकर जमा करने की छूट दी जाएगी और जिसमें 10% उनको जो है विधिवत एडिशनल छूट भी मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, शहर में जो कूड़ा उठाने की व्यवस्था बदली वो अभी तक संभल नहीं पा रही है, जोनल स्तर पर व्यवस्था की गई वो जो है कोई संभाल नहीं पा रहा है, कई जगहों पर सड़क पर कूड़े के ढेर लगे हैं वो नगर निगम नहीं देख पा रहा है। इसको लेकर के लोगों में बड़ा आक्रोश है, आज जोन 7 में लोगों ने प्रदर्शन भी किया और कूड़े के ढेरों को लेकर के कहा कि कब तक कूड़े उठाए जाएंगे, जबकि पहले बात की जा रही है कि अभी डबल इंजन की सरकार है, जब नगर निगम में जो है भी भाजपा आ जाएगी ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी, लोगों को और सुविधा मिलेगी, लेकिन ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो जो एजेंसी हटाई गई उसकी जगह पर जोनल व्यवस्था की गई वो भी नाकाफी साबित हो रही है और अधिकारी इसे भी संभाल नहीं पा रहे हैं। अब देखना यह है कि एक सब व्यवस्था कब तक गुजरती है और लखनऊ के लाखों लोगों को कब तक राहत मिल पाती है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। चुनाव से पहले तमाम छोटी छोटी पार्टियां सक्रिय हो जाती हैं और जनता के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन धरना भी शुरू हो जाता है। आज करणी सेना तमाम मुद्दों को लेकर, जिसमें सबसे प्रमुखता से मुद्दा थी कि EWS में सामान्य लोगों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, इस मुद्दे को लेकर तमाम करणी सेना के कार्यकर्त्री नेता हुसैनगंज चौराहे से GPO तक पैदल मार्च निकाला। इस बीच में तमाम संख्या होने के कारण पुलिस बल से नोकझोंक भी हुई, लेकिन कमोबेश अगर पूरी बात की जाए तो कुल मिला के 2024 को देखते हुए ऐसी तमाम छोटी पार्टियां हैं जो जनता के हितों के मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता इनको कितना तवज्जो देती है। फिलहाल आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम तय करेगा। कैमरामैन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता TV, लखनऊ। समय कलान तहसील के मिर्जापुर ब्लॉक में है, जहां आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने बाढ़ग्रस्त 6 एरिया का हवाई निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने यहां पर राहत सामग्री वितरित की और कई बाढ़ पीड़ित यहां पर आए, उनका घर जाना और उन्होंने हमारे ठीक पीछे देखे कि ये सब बाढ़ पीड़ित हैं जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से राहत सामग्री वितरित की। और हम आपको यह भी बता दें कि यहां पर कई गांव बाढ़ की चपेट में है और यहां पर जो कोलाघाट का पुल था वह दोबारा बनेगा और जो क्षतिग्रस्त पुल है उसे भी दोबारा चालू किया जाएगा। यह मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात थी। राजीव शुक्ला, जनता TV, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल झांसी आगमन है। लगभग 1 घंटे से ऊपर वह झांसी में रहेंगे। झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 1900 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इससे हम इस समय हम झांसी के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में खड़े हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि मेजर ध्यानचंद की 25 फुट की एक मूर्ति लगाई गई है जिसका अनावरण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा, तथा साथ ही संग्रहालय है, मेजर ध्यानचंद संग्रहालय बनाया गया है जो कि यहाँ दर्शकों को देखने के लिए इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिया जाएगा, जिससे उनसे जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीजें संग्रहालय के अंदर मेजर ध्यानचंद से जुड़ी हुई देखने को मिलेंगी। ध्यानचंद स्टेडियम में ओलंपिक प्लेयरों का सम्मान मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात वहां पर मैच का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे, हॉकी मैच का एक शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री पीताम्बरा माई के दर्शन करने के लिए झांसी से निकल जाएंगे। कैमरामैन राज गौतम के संग दीपक जौहरी, झांसी। चर्चित आलोक मौर्य ज्योति मौर्य मामले में अब नया मोड़ आया है, जहां आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद वे पिछली बार भी कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचे थे। असिस्टेंट कमिश्नर जांच समिति के समक्ष उन्होंने समय मांगा था, वहीं आज 28 तारीख को वो फिर पहुंचे और साथ ही उन्होंने आज हलफनामा दाखिल किया है असिस्टेंट कमिश्नर के समक्ष। अमृत लाल बिंग असिस्टेंट कमिश्नर के सामने उन्होंने हलफनामा पेश करते हुए सारे आरोपों को वापस ले लिया है। अब इस पूरे मामले में जहां ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, रिश्वत लेने के आरोप लगे थे, वो सारे आरोप अब उनके पति ने वापस ले लिया। आलोक मौर्य के द्वारा ये आरोप लगाए गए थे। बता दें अब इसमें शासन आगे जाँच करेगा कि नहीं, ये शासन के ऊपर निर्भर
करता है। फिलहाल कहीं ना कहीं अब आलोक मौर्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से पहले आरोप लगाए थे और अब उन्होंने सारे आरोप वापस लिए, इसके पीछे क्या वजह थी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब इन दोनों का मामला फैमिली कोर्ट में भी चल रहा है। तलाक के लिए दोनों ज्योति मौर्य के द्वारा अर्जी दी गई है और अगली तारीख भी लगी है, इसमें जल्द सुनवाई होगी। इस बार छुट्टी ना मिलने के कारण दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिसलिए अगली तारीख लग गई थी। मगर जिस तरह से आज आलोक मौर्य ने सारे मामले में अपने हलफनामा दाखिल करते हुए आरोप वापस ले लिए हैं, कहीं ना कहीं अब ये सवाल खड़े होते कि आखिर वजह क्या थी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। जनपद में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का नगर मजिस्ट्रेट ने फीता काट कर किया शुभारंभ। इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिन लोगों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए मुफ्त सुविधाओं का जो कहीं ना कहीं रोजगार एकता साथ संवाद एवं सबका विकास सबका सशक्ति महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है, वहीं इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एवं शहर के सभी लोगों को वे योजनाओं का लाभ लेने के लिए पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा। वहीं इस मौके पर संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि सरकार एवं के द्वारा लगातार पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है, जहां जहां योजनाओं को लेकर उसको जागरूक किया जाएगा। कैमरा पर्सन का रामकुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। बुंदेलखंड की पावन भूमि जो मानी जाती है हमारी राजवीरों की भूमि, वहाँ पर आरएसएस द्वारा आज मिलन समारोह रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 3 से 4 हजार लोगों की भीड़ लगी और भैया बहनों ने और कई बुजुर्ग महिलाएं शामिल रहीं और आरएसएस की पूरी विंग पहुंचकर सभी को अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए, सभी को अपने देश के बारे में बताया, राष्ट्र निर्माण कैसे किया जाए, अपनी आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से सचेत किया जाए कि जो अब जो माहौल चल रहा है उससे वो पीढ़ियाँ बच सकें। सभी भैया बहनों ने एक दूसरे को राखी बांधकर पर्व की बधाई दी और आने वाले समय से लड़ने के लिए साथ में मिलकर खड़े रहने की बात की। साथ ही आरएसएस के हमारे प्रचारक जी ने बताया कि यहाँ की जो भी बुराइयाँ हैं उनके लिए निरंतर लड़ते रहेंगे, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करते रहेंगे। हमीरपुर से अंकित पांडे, जनता टीवी। गोरखपुर में खुनचुसवा गिरोह फिर सक्रिय हो गए हैं। आपको बता दें 2016 के बाद फिर खुनचुसवा गुरु मेडिकल कॉलेज में अपना डेरा डाल दिए और आपको बताते चलें कि वो गरीब मजदूर व लेबर किस्म के लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और निशाना बनाकर उन्हें लंबी रकम यानी ज़्यादा रकम का लालच देते हैं। ऐसे ही दो गिरोह के दो सदस्यों को गुलहरिया पुलिस ने कल गिरफ्तार किया। आपको बताते चलें कि एक मजदूर से 6,000 रुपये ब्लड देने की यानी एक यूनिट ब्लड की 6,000 रुपया तय किया गया और उन्हें ब्लड लेने के बाद मात्र 1100 रुपया दिया गया। 1100 रुपया पाने के बाद मजदूर व्यथित हो गया और वो थाने पे जाकर शिकायत किया। शिकायत करने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और सक्रिय होने के बाद गिरोह के दो सदस्यों को उसने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चलें कि यह खेल 2016 में भी चला था और जिसको लेके काफ़ी जो है पुलिस सक्रिय हुई थी और इनके गिरोह को पर्दाफाश किया था। फिर वो वैसे ही गिरोह जो है मेडिकल कॉलेज में सक्रिय हो गए हैं और ये ब्लड बैंक के इर्द गिर्द घूमते हैं और अपने गरीब मजदूरों को यानी कि लेबर टाइप के लोगों को निशाना बनाते हैं और लालच देते हैं। फिलहाल गोरखपुर पुलिस ने दो अभियुक्तों को यानी कि दो गैंग के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे कहाँ तक जो है इनकी पूरी तरीके से ये सक्रिय हैं, कहाँ तक इनकी जो है टीम है उसको लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। जल्द ही उम्मीद की जाती है कि और भी सक्रिय सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार करेगी। प्रतापगढ़ जिले में सांसद संगम लाल गुप्ता ने तुलसी ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में पहली बार सांसद संगम लाल गुप्ता ने तुलसी ट्रेन को दी हरी झंडी। प्रतापगढ़ से मुंबई जाने वाले यात्रियों को मिलेगी बड़ी सौगात। आपको बता दें कि सांसद संगम लाल गुप्ता के अथक प्रयासों के बाद प्रतापगढ़ वासियों को मिली सौगात। वहीं आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद संगम लाल गुप्ता ने बताया कि तुलसी एक्सप्रेस के बाद बहुत ही जल्द प्रतापगढ़ जिले में वंदे मातरम जैसी और भी ट्रेन महत्वपूर्ण को ठहराया जाएगा प्रतापगढ़ जंक्शन में। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में सांसद संगम लाल गुप्ता के अथक प्रयासों बाद अंतु चिमला समेत कई स्टेशनों का हुआ सौंदर्यीकरण। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़।
फिल्म कलाकार पंकज त्रिपाठी की एक पिक्चर आई है कागज। कागज का महत्व क्या है जरा इस खबर से समझिए। 2017 में इसी कागज के दम पर एक आदमी को मृत साबित कर दिया गया था। लेखपाल की मिलीभगत से 2017 में असलम नाम का एक व्यक्ति महाराजगंज तहसील का रहने वाला है, जो मृत घोषित कर दिया गया था और उसकी जमीन दूसरे के नाम अलर्ट कर दी गई थी। आज वही मृत इंसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव से अपने जीवित होने का प्रमाण दे रहा है। बावजूद इसके आज तक यानी इतने सालों से लगातार वो तहसीलों के और अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, इसके बावजूद भी वो साबित नहीं हो पा रहा है कि वो आदमी जीवित है। यानी कागजों का महत्व क्या है ये इस खबर से साफ मालूम पड़ता है। आदमी जीवित है लेकिन कागजों पर मृत साबित है और कारण यही है कि इसकी वजह से उसकी जमीन दूसरे को दे दी गई है। अब फिलहाल जिलाधिकारी के पास ये घटनाएं पहुंची हैं और जिलाधिकारी ने मामला संज्ञान में जरूर लिया है और बदले में आश्वासन जरूर दे दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले को गंभीरता से लेकर क्या आश्वासन पर कार्रवाई होती है या असलम 2017 से अब तक मरा हुआ है और ऐसे ही मरकर जिंदगी खत्म हो जाएगा, ये देखने वाला विषय होगा। रायपुर से जनता टीवी के लिए आफताब खान की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र में एक प्रेम प्रसंग के पीछे हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वाराणसी की तरफ से स्कॉर्पियो सवार दो युवक और एक युवती धामपुर धरवा के पास उतरते हैं और बताया जा रहा है कि गाड़ी चला रहा है राजेश यादव, पास में बैठा बगल के सीट पर मनीष यादव को खींच करके रात से पिटाई करने लगता है और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो इतनी पिटाई करता है कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, जबकि सवार मीनू यादव मौके से फरार बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चालक जो है कि कोसंदेपुर का रहने वाला है और भवरकोल थाना क्षेत्र तरवा गांव का मृतक मनीष यादव बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है और फरार युवती की तलाश पुलिस कर रही है। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए गाजीपुर। अमेठी के जामो पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। आपको बता दें कि लखनऊ से चोरी की गई लाखों रुपए की कीमत की सरिया की अमेठी में चल रहा था बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त का कारोबार। मुखबिर की सूचना पर जामो पुलिस ने बरौलिया चौराहे के पास से एक ट्रैक्टर पर लदी लोहे की सरिया को किया है बरामद। 8 लाख रुपए की कीमत के चोरी के 134 क्विंटल लोहे की सरिया के साथ साथ 4 लोगों को जामो पुलिस ने किया है गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की गई सरिया के बिके हुए माल का भी 1,64,000 रुपए नगद भी किया है बरामद। इस पूरे मामले पर एएसपी हरेंद्र कुमार ने खुलासा करते हुए चारों अभियुक्तों को भेजा है जेल। इस तरह की कार्यवाही से अपराधियों में मचा है हड़कंप। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। नमस्कार, पहुंच चुके हैं घोसी में और बता दें कि घोसी उपचुनाव है जहां पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई है घोसी पे। बताते चले कि घोसी इंडिया और एनडीए का पहला एक्सपेरिमेंट माना जा रहा है। ऐसे में बता दें कि एक तरफ से समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है तो दूसरी तरफ देखा जाए तो दारा सिंह चौहान को भाजपा से प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में बताते चले कि घोसी में जगह जगह जन चौपाल लगाया जा रहा है। कहीं राजभर समाज का जन चौपाल लग रहा है तो कहीं निषाद पार्टी का जन चौपाल लग रहा है, कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जन चौपाल लगाया जा रहा है। गांव की बात करें, गांव की और शहरों की बात किया जाए, यहां गांव और शहर की बात किया जाए तो गांव में जो महिला और पुरुष मिल रहे हैं तरह तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। कोई समाजवादी पार्टी का समर्थक है तो कोई भाजपा का समर्थक है। ऐसे में 5 तारीख को होने हैं उपचुनाव, ऐसे में देखा जाए तो कौन यहाँ से होगा घोसी का विधायक। ऐसा ही बने रहे। जनता टीवी के लिए विवेक चौहान की रिपोर्टिंग जनपद मऊ से।